हम लोगों ने 2017 में स्टार्टिंग करी थी अप्रैल में इस लाइन को, मतलब ये फ्री रोल इंडस्ट्री में हमने फ्लैट बनाए, तो हमने 2017 से स्टार्टिंग करी थी। तो जब से लेके सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट बनाया व्यान होम्स, तो वहाँ से स्टार्टिंग है। सबसे पहले हमारे साथ टीम जो जुड़ी थी वो पोर्टफोलियो थी। जिस दिन से हम लोगों ने अपना करियर स्टार्ट करा इस इंडस्ट्री में, उस टाइम सबसे पहले साथ दिया हमारा पोर्टफोलियो ने, उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले गए। तो हमने 60 यूनिट व्यान होम्स में बनाई, कुछ कॉमर्शियल बनाया, उसके बाद हेरिटेज फेज़ वन बनाया, जो फेज़ वन है हमारा, फिर फेज़ टू बनाया। फेज़ टू के अंदर 96 फ्लैट हैं, फेज़ वन में 48 फ्लैट हैं। अब हम फेज़ थ्री बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम विहान के लिए विहान होम्स बनाया था, बहुत अच्छी लोकेशन थी, बहुत अच्छे फ्लैट साइज़ हैं, बहुत बढ़िया लोकेशन है, लेकिन कुछ कमियां मान लो अगर हमने छोड़ दी हो तो जो हमने इस अपने प्रोजेक्ट फेज़ वन में पूरी करी। फिर उसके बाद हमने फेज़ टू बनाया, कुछ और अच्छा करते करते फेज़ टू को किया, अब हम फेज़ थ्री बना रहे हैं और विहान गैलेक्सी बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हम लोगों की मार्केट तो जानती है, करते करते बेहतर करते करते हम बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। लेकिन इस मार्केट के अंदर ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कस्टमर सेटिस्फाइड करना। आप हम लोग कभी भी कोई भी डीलिंग करते हैं, किसी भी चीज़ की डीलिंग करते हैं, जब तक हमारा पर्पस जब तक सॉल्व नहीं होता, जब तक हम उस प्रोडक्ट को लास्ट जो कंज्यूमर है जिसको भी हमें देना है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। हमारे बजट में 90% कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड हैं। अगर इस फील्ड के अंदर आप 90% कस्टमर सेटिस्फाइड कर देते हो अपनी कंस्ट्रक्शन को लेके, तो इट मीन्स आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पहले फेज़ में आपको ट्विन कंट्री में बताई गई थी आकाश ने कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, तो जैसा कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने वहाँ फॉलो करना स्टार्ट किया है वैसा ही हमने कंस्ट्रक्शन सारी साइटों पे करना स्टार्ट कर दिया। हम पहले फेज़ वन में कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, फेज़ टू सारी कंस्ट्रक्शन हमने अच्छी करी है, पर अब हम धीरे धीरे अपनी कंस्ट्रक्शन को और अच्छा करते जा रहे हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो रहा है जब स्टार्टिंग कर रहे थे। तो अब अगर बात करें तो हमारे जो फ्लैट के साइज़ हैं, जो बात करते हैं ना कि उसको वेंटिलेशन मिलना चाहिए प्रॉपर रूम्स के अंदर, इस तरह के फ्लैट में कम बजट में, अगर हम बात करें इस बजट में फ्लैट हम लोग विहान अगर बना रहे हैं ना, पूरे नोएडा एक्सटेंशन तो क्या एनसीआर की भी बात करें तो इस रेट में ऐसा फ्लैट कोई नहीं बना पा रहा। हम लोग इस मार्केट में तो रहते ही हैं और हम लोग कस्टमर से बातचीत भी करते हैं, तो धीरे धीरे करें हमारा भी एक्सपीरियंस होता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब पोर्टफोलियो के साथ, जैसे आप पोर्टफोलियो और विहान का, हम लोग स्टार्टिंग से है, मतलब जब से पहली स्टार्टिंग हमारी किसी एसोसिएट के साथ थी तो वो पोर्टफोलियो के साथ है, और जब से लेके अब तक हम बहुत अच्छे रिलेशन के साथ चलते चले जा रहे हैं। अपने काम को ब्रेकअप कर दिए, कैसे कैसे कर दिए कि कुछ लोगों का, सपोज़ हमारी कंपनी विहान कंपनी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कभी भी नहीं करती, जो भी जितनी भी सेलिंग है हमारे एसोसिएट्स करते हैं, तो आप ही लोग सेल करते हो, तो जितनी भी यूनिट बनाई है हम लोग सेल नहीं करते, आप लोगों का काम है। तो सबसे पहले हमने अपना एक काम हटा दिया, हमारी टेंशन मान लो सेल करने की तो वो नहीं है, अब हम लोग कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर भी ना ब्रेकअप्स कर दिया हमने, अगर हमने अपना स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया, बिल्डिंग हमने बना ली पूरी, उसके बाद एक स्टेप होता है कस्टमर सेटिस्फाइड ना, उसको बाहर की फिनिशिंग ज़्यादा दिखती है कि मेरी ये अच्छी है तो बहुत अच्छा है, पर कस्टमर बहुत कम, कुछ कस्टमर होते हैं जो जान पाते हैं कि उसके सिविल वर्क में क्या हुआ है। सिविल वर्क की हमारी सारी फोटोग्राफ्स हैं, हम कैसे कास्टिंग करते हैं, ACC सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट से हम कास्टिंग करते हैं, हम स्टील बहुत अच्छी यूज़ करते हैं, इस तरीके से ये सारी चीज़ तो कस्टमर को वीडियोस में पता लगती है, लेकिन जब वो घर ले लेता है उसके बाद उसको पता लगता है कि मेरे पेंट की, अगर पेंट की क्वालिटी ख़राब होगी तो वो कहेगा यार क्वालिटी बेकार है, कुछ ऐसी चीज़ है। तो हमने पहली बात तो वो आइटम्स तो फिनिशिंग में वो लगाए हैं जो कि कभी ख़राब नहीं होंगे, 20 साल 10 साल की वारंटी गारंटी है, जैसे हिंदवेयर सैनिटरी है, ग्रेट वाइट के सीट स्विच है, जॉनसन की लिफ्ट है, 20 ईयर्स की उसकी वारंटी गारंटी है, तो इस तरह से। उसके बाद होता है कि कस्टमर को जब हम हैंडओवर करते हैं, इससे पहले हमने कुछ प्रॉब्लम जैसे फेस करी, क्या करी, वो प्रॉब्लम भी नहीं थी, हम लोगों ने बिल्डिंग पूरी कंप्लीट तैयार कर दी, उसकी फिनिशिंग कर दी पेंट पुताई करके बिल्कुल ओके लॉक करके, आइदर वो सेल हुआ या नहीं हुआ उससे हमने नहीं फोकस किया। लेकिन क्या होता है कि जिस टाइम कस्टमर आता है तो कस्टमर नया फ्लैट खरीदता है तो वो चाहता है बिल्कुल नया जैसा ही मिले मेरे को, एक भी दाग है तो वो नहीं। और बहुत सी बात क्या होता है कि हमारा पेंटर काम करके हमें हैंडओवर कर गया, लेकिन हम जब कस्टमर को करते हैं तो उस समय पे थोड़ा सा परेशानी आती है कि कस्टमर कहता है मेरी टचिंग है, पेंटर कहता है मेरा काम हो गया इंजीनियर से। तो अब हमने इस काम में अपने ब्रेकअप कराए, हमने क्या कराया कि जब हमारा फ्लैट तैयार हो जाता है, रॉ फ्लैट तैयार हो जाता है, तो हम उसके अंदर पेंट का, इलेक्ट्रिकल का, सीट स्विच जो फिनिशिंग और वुडन का काम, ये तीन काम हम पेंडिंग छोड़ देते हैं। जब आप लोग बुकिंग कर लेते हो और आप बोलते हो कि लोन की फाइल प्रोसेस कर दो, और अब 10 दिन बचे हैं हमें कस्टमर को हैंडओवर करना है, तो मेरी जो तीन टीम है, तीन टीम कस्टमर को ही हैंडओवर करेगी। मेरा पेंटर कस्टमर के एक फॉर्म्स को साइन कराना है कि जब वो सेटिस्फाइड करेगा, हमें सेटिस्फाइड करने से फ़ायदा नहीं,
कस्टमर को सेटिस्फाइड करेगा वो। तो हमारा कारपेंटर, हमारा पेंटर और जो हमारा फिनिशिंग आइटम जो भी कुछ लगता है इलेक्ट्रिकल का, वो सारी टेस्टिंग करा के एक मेरे इंजीनियर के साइन और दूसरे कस्टमर के साइन। और उसके बाद अब इंजीनियर्स का हम लोग तो सारी एक लेवल पे आके हम लोग ना काम कंपनी के बिल्डिंग बनाने का नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन हम अरेंज कर सकते हैं, रिसोर्सेज और मैनेजमेंट चला सकते हैं। तो हमने अपने इंजीनियर्स को ये समझा दिया कि आपको एक्सीलेंट के लिए अगर आपने 5-स्टार रेटिंग ले ली अपने कस्टमर से, तो हमारा कुछ इंसेंटिव है, जैसा इंसेंटिव सेल्स में, ऐसा इंसेंटिव कोई सिविल लाइन में नहीं देता। उसका पर्सनल इंटरेस्ट जब जगता है, जब उसको लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे फल मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं कि मेहनत करते हैं उसके बाद उसको लगता है कि यार ये फल तो एवरेज है, दूसरा नहीं कर रहा तो चलो कोई बात नहीं, वो भी शांत है। तो हम लोगों ने ना अब कस्टमर से डीलिंग करने के लिए इंजीनियर्स को बोल दिया कि आप जब फ्लैट को हैंडओवर करोगे तो आपको रेटिंग लेनी है, 5-स्टार रेटिंग ले लिए कस्टमर को, तो उस बीच में आपको आपका जो कस्टमर होगा उससे इंजीनियर्स के जो बातचीत होगी वो बहुत अच्छे से होगी। वो रूडली भी नहीं बात करेगा क्योंकि काम करके देना उसको स्टार्स लेने हैं, तो वो अपना काम बहुत अच्छे लेवल से अच्छी तरीके से करके देगा, हैंडओवर करेगा कस्टमर को। तो स्टेप बाय स्टेप तीनों चीज़ पेंटर ये सब कस्टमर को देंगे, तो एक ही बारी में जब हम कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाइड कर देंगे तो कंप्लेन आने के कोई चांस ही नहीं। ठीक है, थैंक यू।